नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। आज सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां के सालासार राम दरबार तोड़े जाने को लेकर के बीजेपी और बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है तो कांग्रेस इन्हें NHAI का मामला बता करके गेंद बीजेपी के पाले में डाल रही है। आज राजस्थान विधानसभा में भी बीजेपी ने इस मुद्दे पर बहस की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे सियासी पार्टियां अपने एजेंडे के विस्तार के लिए समाज में नफरत का जहर घोलती हैं, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करती हैं, आम आदमी की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं, लोगों को उकसाती हैं, अमन चैन और भाईचारे के लिए खतरा पैदा करती हैं। जेसीबी मशीन से मंदिर का गेट तोड़े जाने का यह वीडियो राजस्थान के चुरू जिले में स्थित सुजानगढ़ शहर के प्रवेश द्वार पर राम दरबार की मूर्ति लगे द्वार का है, जिसे सड़क निर्माण के लिए 15 मार्च की रात को जेसीबी के जरिए ढा दिया गया। 16 मार्च को हिंदू संगठनों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और बीजेपी के तमाम नेता गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी बताने लगे, हिंदुओं को नींद से जगाने लगे, कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लेने लगे। और एक कांग्रेस सरकार नीचता पर उतर आई है, हिंदू समाज का और हिंदू आस्था केंद्र को तोड़ने लगी है। आपको जानकारी मिली होगी कि चुरू जिले के सुजानगढ़ के एक भगवान के मंदिर के जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा गेट, भव्य गेट बना हुआ था। उसके ऊपर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां विराजमान थी। उनको आधी रात को जाकर के चोरों की तरह, डकैतों की तरह और मशीनें लगाकर, बुलडोजर लगा करके उसको ढहा दिया है। ये हमारे भगवान का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है, सीता माता का अपमान किया है, हनुमान जी का अपमान किया है। अब सोने का समय नहीं है, जागो हिंदुओं, जागो जागो। राम दरबार जो एक विशाल दरवाजे पर बना हुआ था, उसको जिस प्रकार अधिकारियों ने तोड़ा है, मूर्तियों को तोड़ा है, वो निंदनीय है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर सरकार ने बुलडोजर चला के राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया, वहीं गहलोत साहब की सरपरस्ती में चलने वाली सरकार के करिंदों ने राम के मंदिर को तोड़ा है। हम इस बात को लेकर आंदोलन भी करेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे। 19 मार्च को राजस्थान बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को साझा करते हुए इसे गहलोत सरकार की निशाचरी करतूत बताया। राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट किया, सुजानगढ़ में गहलोत सरकार की निशाचरी करतूत, अंधेरी रात में भगवान राम और उनके दरबार की मूर्तियों पर गहलोत सरकार ने चलाया बुलडोजर, गहलोत जी नहीं भूलेंगे हम। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर कांग्रेस की तुलना मुगलों से कर दी। अमित मालवीय ने लिखा, पहले मुगल थे अब कांग्रेस। मामला तूल पकड़ा तो चुरू पुलिस की सफाई आई। पुलिस के मुताबिक सड़क को चौड़ा करने के लिए ही इस द्वार को तोड़ा गया है, जिसे विस्तारीकरण के दौरान दोबारा बनवा भी दिया जाएगा। लेकिन अब राजस्थान सरकार के बयान से पूरा मामला बीजेपी के खिलाफ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने दो टूक कह दिया है कि इस द्वार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट के नाम पर तोड़ा गया है, लिहाजा इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देना चाहिए। NHAI के इस प्रोजेक्ट से राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस घटना का दोषारोपण राजस्थान की सरकार के मत्थे किया जा रहा है, वो NHAI उसका निर्माण कर रही है और ये 100 किलोमीटर का सड़क NHAI ने मंजूर किया है, उन्हीं का काम चल रहा है और उसी के ठेकेदार ने ये तोड़फोड़ किए और ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की सरकार ने किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को राजस्थान विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन स्पीकर CP जोशी ने कहा कि ये मुद्दा NHAI का है जो केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में विधानसभा में इस पर कोई चर्चा मुमकिन नहीं है। स्पीकर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो इतने ही उतावले हैं तो फिर गडकरी जी को फोन कर लें। मैंने प्रस्ताव दिया था सालासर के अंदर तो मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए, आप पार्लियामेंटेरियन है, आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एक आधा ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये NHAI
जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस रेंट को एक्विजिशन की है, उसी का कॉन्ट्रैक्टर इसको ने काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे। राजस्थान कांग्रेस ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक पत्र को रीट्वीट किया, जिसके जरिए दावा किया कि बीजेपी झूठ और अफवाह के जरिए लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। जबकि चिट्ठी में साफ लिखा है कि राजस्थान सरकार के साथ NHAI ने इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए अनुबंध किया था। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल ने भी एक चिट्ठी जारी करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। सेवा दल ने ट्वीट किया, शर्म करो थोड़ी, ये तोरण द्वार हाईवे बना रही कंपनी NHAI ने तोड़ा है, जो केंद्र सरकार की कंपनी है। ये सड़क नेशनल हाईवे है, जिसमें राजस्थान सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये हाईवे केंद्र सरकार बना रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है, और उसने ही गेट तोड़ा है। हालांकि बीजेपी IT सेल ने जवाबी चिट्ठी जारी करते हुए कांग्रेस को ही झुठला दिया। राजस्थान के सीकर से बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी कांग्रेस को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों में धर्म की भाव ही नहीं है। अब साला सर के अंदर जो गेट तोड़ा गया है, उसकी मूर्तियों को हटा करके आराम से सुरक्षित करके एक स्थान पर पूजा पाठ उसकी होती रहती है, और दोबारा कोई गेट बनता उसको ऊपर लगा सकते थे। वो कहते भाई हमें 4 लेन बनानी है, तो 4 लेन बनाने के लिए भी एक तरीका है कि कोई धर्मस्थान है उसकी मूर्तियों को वहाँ से विधिवत हटा करके दूसरे स्थान पर रखते हैं। हम ये नहीं कहते गेट मत हटाओ, लेकिन गेट तो हटाओ, लेकिन जिस तरह से JCB से तोड़ करके मूर्तियों को नीचे डाला गया है, उनको मसला गया है, ये उनकी अनास्था का प्रतीक है। कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, कथित प्रवेश द्वार NHAI की परियोजना सालासर नागौर NH 58 से अलग 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में उक्त सुजानगढ़ सालासर सड़क का 2 लेन से 4 लेन बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। हालांकि रविवार को राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने गेट तोड़े जाने को गलत बताया था, लेकिन लगे हाथ ये भी पूछा कि जब सूबे में कई सारे मंदिर तोड़े गए तब बीजेपी खामोश क्यों थी। दावा है और भगवान राम की यदि वहाँ मूर्ति लगी हुई थी, और यदि PWD के लोगों ने जो आप मुझे बता रहे हैं जिस ढंग से गिराया, तो गलत है। इसलिए गलत है कि हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हमारे भगवान राम का कोई अपमान करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। यदि भगवान राम की मूर्ति गलती से भी उनसे गिरी है तो उनको सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। दरअसल 3 साल पहले जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब जयपुर में मेट्रो रेल मार्ग के निर्माण के लिए कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया था, लेकिन उस वक्त विकास के नाम पर बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है और अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने धार्मिक आस्था के नाम पर इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसे आगे भी भुनाने की तैयारी कर रही है।